नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम साइनस जैसी गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे और उसके घरेलू उपायों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साइनस एक स्वास्थ्य समस्या है जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि अब कुछ एहतियाती उपाय लेने और घर पर सही उपचार करने के द्वारा इसके लक्षणों से राहत पा सकते हैं। तो ये जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साइनस के लिए घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, आप गर्म पानी में यूकलिप्टस तेल, गर्म पानी में यूकलिप्टस तेल के पाइन तेल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं और साइनस के लक्षणों से राहत पाने के लिए इसकी भाप ले सकते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, अपने नाक और आँख के चारों ओर नाक की रनिंग को रोकने के लिए जैतून का तेल लगाएं। यह आपकी नाक के रुकावट को साफ करने में मदद करेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, अगर आप साइनस इन्फ्लेशन और सूजन से पीड़ित हो रहे हैं तो नाक के आसपास गर्म और ठंडी पट्टी लगाएं। चौथा उपाय है दोस्तों, प्याज और लहसुन की तरह तीखे खाद्य पदार्थ साइनस के इलाज में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। आप इन खाद्य पदार्थों की एक छोटी सी मात्रा लेने से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप अपने नियमित भोजन में इन खाद्य पदार्थों की मात्रा को शामिल कर सकते हैं। नंबर 5, गाजर के रस में महान चिकित्सा गुण शामिल होते हैं जो साइनस के इलाज में बहुत फायदेमंद है। आप 1 गिलास गाजर का रस अलग से या चुकंदर, खीरे या पालक के रस के साथ ले सकते हैं। यह साइनस के लक्षणों के उपचार में मदद करेगा। नंबर 6, अधिक पानी पिएं, इससे आपकी समस्या काबू में रहेगी। अधिक पानी पीने से मूत्र संबंधी कोई भी विकार नहीं होता। इसके अलावा करीब 0.5 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और बेकिंग सोडा मिलाकर उस पानी से नाक धोने से भी लाभ मिलता है। नंबर 7, धूम्रपान, सफाई उत्पाद, हेयर स्प्रे और अन्य धुआं छोड़ने वाले उत्पाद आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। इनमें से भी सिगरेट को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को साइनस की समस्या है तो उन्हें घर से बाहर जाकर ही धूम्रपान करना चाहिए। अच्छा तो यही रहेगा कि आप इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए भी अच्छी आदत नहीं है। नंबर 8, साइनस के मरीजों को धूल से काफ़ी परेशानी होती है, अपने घर के वातावरण साफ रखिए। नंबर 9, घर में वेंटिलेशन सही हो, ताजी हवा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इन घरेलू उपायों के द्वारा आप साइनस की समस्या से राहत पा सकते हैं। ये थी आज के साइनस के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।